Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बीते कुछ दिनों से भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा ग्राहकों को यह मैसेज आ रहा है कि उन्हें अपने सेवाएं चालू रखने के लिए रिचार्ज करवाना होगा, अन्यथा उनके नंबर्स बंद हो जाएंगे। इन मैसेजों के बाद ग्राहकों ने ट्राई को शिकायत करते हुए कहा कि उनके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होने के बाद भी उन्हें ऐसा मैसेज मिल रहा है। बता दें कि दोनों कंपनियों ने अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए 35 रुपए से शुरू हो रहे मिनिमम मंथली रिचार्ज प्लान्स को लागू किया है। ग्राहकों द्वारा शिकायत भेजने के बाद ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को एक पत्र भेजा है। ट्राई ने अपने पत्र में कहा है कि दोनों कंपनियां 3 दिनों के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं कि उनके मौजूदा प्लान्स की वैधता कब खत्म हो रही है। ट्राई के ये भी कहना है कि वे ग्राहकों को बताएं कि प्रीपेड अकाउंट बैलेंस का उपयोग कर मिनिमम रिचार्ज प्लान सहित अन्य उपलब्ध प्लान्स का फायदा कैसे उठाया जाए। ट्राई ने इन दोनों कंपनियों से ये भी कहा है कि निर्देशों का पालन होने तक कंपनियां अपने ग्राहकों की सेवाएं बंद न करें, खासकर उन ग्राहकों के जिनके अकाउंट में मिनिमम रिचार्ज अमाउंट मौजूद है। बता दें कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारतीय एयरटेल ने मिनिमम रिचार्ज 35 रुपए, 65 रुपए, 95 रुपए, 145 रुपए और 245 रुपए के रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए थे, जिसकी वैधता 28 दिनों की है। इन प्लान्स में रिचार्ज करवाने के बाद भी कई ग्राहकों को उनके नंबर बंद होने की मैसेज आ रही है। हालांकि अब ट्राई द्वारा निर्देश जारी करने के बाद जब तक वोडाफोन आइडिया और एयरटेल द्वारा अच्छी तरह से अपने ग्राहकों को सूचित नहीं किया जाता, तब तक उनकी सेवाएं बंद नहीं होंगी, खासकर उन ग्राहकों के जिनके पास अभी मिनिमम रिचार्ज प्लान्स मौजूद। हाल ही में एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल वित्तल ने एक बयान में कहा था कि मिनिमम रिचार्ज प्लान्स की शुरुआत से मामूली भुगतान करने वाले ग्राहकों को कम किया जाएगा। इससे एयरटेल को अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने में मदद मिलेगी और दूरसंचार ऑपरेटर्स प्रीमियम ग्राहकों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करेगा। ट्राई के इस पत्र के बाद अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स वोडाफोन आइडिया और एयरटेल द्वारा आगे क्या एक्शन लिया जाता है। Telecom News की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.